व्हाट्स अप एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेफिक्रा 2.0। आई एम दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैंने जो लास्ट अपलोड किया था वो 1 अगस्त को किया था, जो कि मैंने शूट किया था 31 जुलाई को। इट मीन्स कि इस महीने मतलब अगस्त में मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो 20 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ऑलमोस्ट एवरीडे अपलोड किया है मैंने वीडियो। तो मेरा ये प्लान था, एक दो दिन का ब्रेक लेता हूँ और प्लान करता हूँ कि आगे क्या वीडियो डालना है या किस तरह के कंटेंट डालना है चैनल पे। तो मैंने एक दो दिन का ब्रेक ले लिया, फिर मैंने 3 अगस्त को एक न्यूज़ देख लिया। अब ये जो 3 अगस्त वाली बात है, इसको आप याद रखना क्योंकि हम इस पर फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं 14 जून को। अब आपको पता है कि 14 जून को क्या हुआ था। सो 14 जून को 3 से 4 के बीच में अराउंड मुझे एक खबर मिली कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड एंड ही इज नो। तो पहले तो यकीन नहीं होता आपको इन सब चीज़ों पे, फिर आप डिफरेंट न्यूज सोर्स जो है उसको देखना चालू करते हो और फिर आपको ये यकीन हो जाता है कि ये नहीं होना चाहिए था, जो कि हो गया। तो 14 जून को ये सब हुआ और उसके बाद जो हमारे यूट्यूब पे इन्वेस्टिगेटर लोग हैं सो कॉल्ड, वो अलग अलग तरह के थंबनेल पे वीडियो डालने लगे, जिसका कि स्टार्टिंग में तो कोई मतलब ही नहीं था, लाइक लिटरली नो मीनिंग। तो एक बात तो तय था कि इट्स अ मर्डर, बिकॉज एक फोर्स सुसाइड जो होता है वो भी मर्डर ही होता है, तो ये तो डिसाइडेड था कि ये मर्डर है। बट फिर लोगों ने उसके ऊपर अपने अपने ऐसे ओपिनियन रखने चालू कर दिए, जिससे मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अगर उस बंदे की आत्मा को थोड़ी शांति देनी है तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो मैं ऑलमोस्ट जो सुसाइड वाली केस की बात है इससे दूर हो गया, बिकॉज मुझे एक चीज़ का उम्मीद था कि अपना हाई प्रोफाइल केस है तो मुंबई पुलिस इसको लाइटली नहीं लेगी और अपना बेस्ट देगी, क्योंकि पूरी इंडिया की नज़र उसके ऊपर थी। अब आते हैं 3 अगस्त वाली बात। तो 3 अगस्त को मैंने एक न्यूज़ देख ली कि बिहार के IPS ऑफिसर विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन किया गया था। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और उनके पहले 4 और लोग गए थे, बट उनको सपोर्ट तो नहीं किया गया, लेकिन उनको क्वारंटाइन भी नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ थी उसके बाद दिमाग एकदम मतलब फट गया कि भाई ये जितनी आसान लग रही है चीज़ें उतनी आसान तो है नहीं। और फिर 3 अगस्त को मैंने SSR के केस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू किया और हर एक चीज़ को देखना चालू किया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आप जितना इसमें डीप जाओगे उतनी आपको ये केस कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और शायद यही वजह है कि अब CBI भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो नो मोर ब्रेक प्लीज़, ये जो मैंने खुद को खुद से वचन दिया है या खुद से प्रॉमिस किया है, तो इसलिए तो दो चीज़ के लिए अब कोई ब्रेक नहीं रखना है। पहली चीज़ ब्लॉगिंग और दूसरी चीज़ SSR के केस में अपडेट। और मुंबई पुलिस भाई, तुमने किसी और के कहने पे कुछ और किया, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो उनका तो माइंड छोड़ो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा दिमाग पे यूज करना चाहिए। बट अभी इसमें जो भी डिस्कशन होगा वो दूसरे चैनल पे होगा, क्योंकि दो तरीके की कंटेंट एक ही चैनल पे मिक्स कर दूंगा तो आप भी कंफ्यूज रहोगे कि व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट। तो वो जो कंटेंट है वो दूसरे चैनल पे आएगा, एंड आई होप कि आपको ये चैनल और वो चैनल दोनों पसंद है। और हाँ, 10 बजे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन।